दोस्तों आज की कहानी है पति देव। अब से परिवार से अलग होने की बात नहीं कहूंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या हुआ बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां नहीं करना है क्या? मनीष ने कहा। हाँ पर इस छोटे से घर में कैसे होगा सब कहते हुए हेतल यादों में खो गई। लीजिए मामा जी हमारे नए घर के गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र, आप सभी को जरूर आना है। अभी जल्दी मैं हूँ तो जाता हूँ, दूसरी बार आकर सभी से मिलकर बातें करूँगा कहते हुए भांजा जती निकल गया। जब सभी घर वाले वापस आए तो मनीष ने जतिन के आने का और निमंत्रण पत्र दे जाने की बात बताई। मनीष की बात सुनकर उसकी पत्नी हेतल का मुंह खुल गया। बाकी सब तो खुशी से झूम उठे कि चलो समय रहते भांजे ने अपना घर बनवा लिया। अच्छा है छोटी उम्र में अपना घर बनवा लिया, नहीं तो हमारी तरह एक कमरे में ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ती। हेतल ने कमरे में आकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। हेतल तुम खुश नहीं हो सबके साथ रहने में? मनीष ने कहा। नहीं ऐसा नहीं है, पर हर औरत का एक सपना होता है कि खुद का घर हो और जहाँ वो अपनी मर्जी और खुलकर जिए। हेतल ने कहा। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें, फिर तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। कमरा भले ही एक है पर हर पल सुख और दुख में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। माँ बाबा और भैया भाभी भी हम पर कितना विश्वास करते हैं और हम भी कि परिवार की एकता और एकजुटता बनी रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। हमारा आपसी सहयोग और समर्थन ही तो इस घर और परिवार की नींव है। हमें कहीं भी जाना होता है तो हम माँ और भाभी के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर बेफिक्र होकर चले जाते हैं और माँ भी आप दोनों बहुओं पर अपनी जान सिड़कती है, इसलिए तो खुद भी आप लोगों के साथ साथ काम में हाथ बटाती हैं और काम वाली बही को भी रखती हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। याद है जब हमारी छोटी को बुखार आया था तो बाबा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मानता हूँ कि संयुक्त परिवार में रहने के कुछ गैर फायदे भी हैं, जैसे कि हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, सबकी मर्जी और पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे तो कई उदाहरण मिल जाएंगे, पर क्या सिर्फ कुछ गैर फायदे के कारण जो हमें बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं वह छोड़ देने चाहिए? अब एक और बात, तुम्हें लगता है कि हमें अलग हो जाना सही है तो जो मकान हमने किराए पर दिया उसे खाली करवा कर वहां चले जाएंगे, मनीष ने कहा। मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई मनीष, मुझे सिर्फ अपनी स्वतंत्रता ही नजर आई, परिवार का प्यार और अपना पर नहीं नजर आया। मुझे माफ कर दो, आईदा में कभी परिवार से अलग होने की बात नहीं कहूंगी, कहते हुए हेतल रो पड़ी। मनीष ने उसे गले लगाते हुए कहा। एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर कुछ मीठा मिल जाए तो। हेतल शर्म से लाल हो गई। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए और माँ बाबा भी ईश्वर को प्यारे हो गए और अभी इस मोड़ पर आकर दोनों भाई अलग अलग हुए, जहाँ आज हेतल और मनीष के बेटे की शादी हो रही है और बहू के गृह प्रवेश की तैयारियाँ भी। किसी ने आकर हेतल को कहा कि
बहू अब आने को है, तब अपनी यादों की गलियों में से बाहर